दिल्ली के इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर हादसे का शिकार हुई महिला की इलाज के दौरान सफदरजंग अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि रीना अपने बच्चों के साथ गुरुवार को नागलोई मेट्रो स्टेशन से अर्थला जाने के लिए मेट्रो में सवार हुई थी। इंद्रलोक स्टेशन से रेड लाइन मेट्रो चेंज कर रही थी, उसी दौरान उसकी साड़ी और बैग गेट में फंस गया और वो मेट्रो के साथ घिसटती हुई काफी दूर तक चली गई थी। रीना की इलाज के दौरान जान चली गई। आपको बता दें कि नागलोई की रहने वाली रीना के पति का निधन लगभग 9 साल पहले ही हो चुका है। रीना अपने दो बच्चों के साथ अकेली रह रही थी। गुरुवार को रीना अपने मायके जाने के लिए नागलोई से ग्रीन लाइन मेट्रो से इंद्रलोक आई और वहां से रेड लाइन मेट्रो पकड़ना चाह रही थी। इसी दौरान मेट्रो में घुसते समय पता चला कि उसका बच्चा मेट्रो के बाहर रह गया है, तभी वो मेट्रो से बाहर निकलने लगी। उस दौरान उसका बैग और उसकी साड़ी मेट्रो के गेट में अटक गई और वो काफी दूर तक मेट्रो के साथ घसीटती चली गई। लोगों ने मेट्रो के अंदर सेफ्टी अलार्म बजाया जिसके बाद मेट्रो रुक गई। तब तक लेकिन काफी देर हो चुकी थी और वो काफी दूर तक घिसटती चली गई थी, जिससे रीना के सिर में चोट आने से वो बेहोश हो गई थी। गंभीर हालत में उसे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां शनिवार को उसकी जान जाने की खबर आई थी। मेट्रो में इस हादसे के बाद मेट्रो सुरक्षा अधिकारियों ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें सबसे सुरक्षित और दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो में इस तरह के हादसे से एक बार फिर से यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मेट्रो में सवार लोगों के काफी देर तक चिल्लाने के बाद मेट्रो रोकी गई। वहीं इसमें एक दर्दनाक मोड़ ये भी है कि रीना के दो छोटे बच्चे हैं जो अब अनाथ हो चुके हैं, उनके सिर से माँ बाप दोनों का साया छिन गया है। बता दें कि रीना सब्जी बेचकर दोनों बच्चों को पाल रही थी और उनकी पढ़ाई लिखाई भी करवा रही थी, लेकिन अब जब बच्चों के माँ बाप दोनों ही नहीं रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। वहीं बात करें मेट्रो रेलवे सुरक्षा आयोग की, तो इस घटना की जांच वो कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि फिलहाल इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं करवाया गया है, पुलिस इसकी जांच कर रही है और अगर जरूरत पड़ी तो कानूनी राय भी ली जाएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द वापस आएंगे तमाम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इन खबर पर।